हेलो गाइस, मैं दिजमणि जी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड तीन अपडेट के बारे में, हिंट के बारे में, जो कि कंफर्म करती है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, अगर आप एक मार्वल डीसी फैन हो, आप कुछ नया देखना चाहते हो, तो सीरीज को जरूर देखो जो कि हिंदी में नेटफ्लिक्स पर है। अब बात करते हैं अपडेट हिंट के बारे में। तो डेविड हार्बर ने अपने प्रोफाइल पर एक पिक डाली जिसमें कि जिम हॉपर और 11 एक साथ गले मिल रहे हैं, और वो पिक उन्होंने उल्टी लगाई। तो उसका मतलब वो एक डायमेंशन में फंसे हुए हैं जो कि वो उससे 11 से मिलना चाहते हैं, पर 11 उसे ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि उसकी पावर चली गई है। दूसरी बात, ये अपलोड करते ही प्रोफाइल एक टीजर अपलोड होता है जो कि होता है ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का, जिसमें कि हमें लोगो देखने को मिलता है। और उस टीजर में एक चीज नोटिस करने वाली बात होती है, वो ये कि वहां पर लाइट बंद होती है फिर ऑन होती है, और उसी के साथ हमें एक घर दिखाई देता है जहां पर एक लाइट जल रही होती है। तो ये वही घर है जहां पर 11 रह रही होती है सीजन 3 में। जी हाँ, ये वही वाला घर है। और साथ ही साथ एक पेड़ होता है बगल में जिसपे एक क्लॉक लगी होती है, और राइट हैंड पे अगर आप देखोगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है वेलकम टू हॉकिंस। जी हाँ, तो ये वो सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिसमें कि लग रहा है कि पूरी तरीके से अब हॉकिंस तबाह होने वाला है। और सीजन 4 में टाइम ट्रेवलिंग के साथ डेविड हार्बर भी का कैरेक्टर जिंदा है, यानी कि जिम हॉपर। तो ये काफी कमाल के ऐसे रेफरेंस थे जो कि इस टीजर में सब कुछ कंफर्म करते हैं। और एंड में हमें दिखाई जाता है हॉकिंस एनीमोर, यानी कि कुछ भी पॉसिबल है इस टीवी सीरीज में, इस वेब सीरीज में, और डेविड हार्बर रिटर्न होंगे इस कैरेक्टर के लिए। और साथ ही साथ एक पिक दोबारा से अपलोड होती है वेलकम टू हिल, जहां पर हॉकिंस लिखा होता है पर अब वहां पर हिल आ जाता है, और जो कि एक ब्रॉडकास्ट की इमेज है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कुछ होने वाला है इस सीजन 4 में, और ये इवेंट सबको हिला डालेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक वेब सीरीज नहीं देखी है तो उसके तीनों सीजन देख लो, क्योंकि 2020 में 25 दिसंबर को धमाका होगा नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आते हो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।